बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कीमा पालक बनाना बताएंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोज़ को फ़ौरन देख सकें। तो चले अब हम अपना पालक कीमा बनाना शुरू करते हैं। पहले एक पतीली में दो सालन के चमचे भर के हम ऑयल डालेंगे। एक ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो उसमें आधा खाने का चम्मच जीरा, साबुत मिर्च, दालचीनी, मेथी, इलायची डालेंगे। दैन इसमें हम चार नॉर्मल साइज के प्याज डालेंगे, बारीक कटेंगे। प्याज को हमने ब्राउन करना है। यहाँ चार नॉर्मल साइज मैंने टमाटरों को लेके काट लिया है। उसमें मैंने आधा खाने का चम्मच सॉल्ट डाला है, आधा ही खाने का चम्मच हल्दी है, आधा खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्च है और आधा ही खाने का चम्मच मेरे पास यहाँ पर पिसी हुई मिर्च मौजूद है। मेरे पास यहाँ पर आधा किलो कीमा मौजूद है। आधा किलो कीमा डालेंगे तो हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी। और मैंने यहाँ पर डेढ़ खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। पेस्ट डाल के हम कीमे को प्याज और लहसुन अदरक के साथ दो से तीन मिनट तक भूनेंगे। तीन मिनट बाद फ्राई करने के बाद ये जो हमारे पास स्पाइसेस मौजूद है और टमाटर मौजूद है हम इसमें ऐड करेंगे। ये सारे टमाटर और सब स्पाइसेस हम इसमें मिक्स करके चमचा चलाएंगे। कीमे में हमारी खोलाना शुरू हो गई। अब इतने टाइम में 5 मिनट के लिए हम इसे हल्की आँच पर ढक के पकाएंगे और इतने टाइम में हम पालक काट लेंगे। पालक मैं यहाँ पर काट चुकी हूँ। देन हम अपने कीमे में पालक ऐड करेंगे। हम यहाँ पर कीमे में पालक ऐड कर रहे हैं। पालक हमने यहाँ ऐड कर दी तो हम यहाँ पर पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पालक में ऑलरेडी पानी मौजूद होता है। पालक में हमारी खौलाना शुरू हो चुकी है तो हम यहाँ पर अपनी पतीली का ढक्कन कवर करेंगे और इसे हल्की आँच पर पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि पालक पानी छोड़ेगी तो उसी में हमारे टमाटर भी गल जाएंगे, हमारा कीमा भी हो जाएगा। और पानी खुश्क होने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। पालक में आप देख सकते हैं पानी ने छोड़ा था तो पानी मैंने हल्की आंच पर रख के पूरा खुश कर लिया। और अब हम इस पॉइंट पर इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई के दौरान हम यहाँ पर 4-5 हरी मिर्चे भी डालेंगे। मैंने इसमें से 2-3 जो है बीच में से कट निकाल के डालेंगे। अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो आप सिर्फ मोटी मिर्चें डालें, बारीक बारीक न डालें। देन हम इसकी अगेन भुनाई करेंगे। भुनाई हमें इसकी इतनी अच्छी करनी है कि जब तक कि हमारा ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। और आप देख रहे हैं कि ऑयल हमारा जो है ऊपर आना शुरू हो चुका है। इस पॉइंट पर हम इसका चूल्हा बंद करेंगे। चले मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर मज़ेदार सा पालक कीमा बन के बिल्कुल रेडी। मैंने इसे डिश में निकाल कर सिंपली इसमें हरा धनिया डाला है और आप इसको देख सकते हैं मैंने इसकी इतनी अच्छी भुनाई करी कि इसमें ऑयल भी आसानी ऊपर आ गया और कीमा भी हमारा यहाँ पर, चूँकि बारीक कीमा मैंने यहाँ इस्तेमाल किया था और बारीक कीमा पालक कीमे में बहुत मज़े का लगता है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन करना प्रेस करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।